बैरूर कस्बे की खटीको के मोहल्ले की दर्जन भर महिलाओं ने तेज गर्मी में पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारी को घेर कर खरी खोटी सुनाई। उसके बाद जेईएन योगेश पंचोरी ने कल शाम तक पानी सप्लाई करने का आश्वासन दिया। महिलाओं का कहना था कि दो महीने से मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, जिस कारण पीने के पानी और पशुओं के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया है। पानी का बिल भरने के बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा, ऐसी स्थिति में जीना मुश्किल हो गया है। पानी मिलने के आश्वासन के बाद महिलाएं वापस लौटी। ये एक्चुअली क्या है, तिलक नगर से कल समस्या थी, तिलक नगर से कुछ महिलाएं भी आई थी, तो वो टाइम बढ़वाने के लिए बोल रही थी, कुछ लास्ट के घर के लिए पानी नहीं पहुंचा था, तो उनको टाइम बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पूरे सिस्टम को, पूरे वाल्मीकि मोहल्ला से जितने भी सप्लाई की, तो अल्टरनेट चेंज कर दिया था। तो इसी वजह से ये लोग पुराने वाले सिस्टम से चाह रहे थे कि हमें डेली पानी मिलना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्शन वो लिमिटेड है, तो पानी सबको देना है। तो इस वजह से सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए तिलक नगर में भी पानी रहे, कटिको की साइड में रहे, वाल्मीकि मोहल्ला, इसी वजह से उनकी व्यवस्था बनाई थी अल्टरनेट, तो ये चाह रहे थे डेली, तो उनको समझा दिया कि अगले दिन पानी आएगा। पानी नहीं आ रहा, दो महीना हो गया, हर पानी खातर हम बहुत परेशान हो रहे हैं। अब ये लोग कह रहा था कि साढ़े चार बजे पानी छोड़ा, तो ये हम पानी बिना के कर मार तो डांडा पिसा है मारता।